तो भाई साहब कैसा लगा आपको ड्रोन शॉट, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। तो हाल फिलहाल तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटोग्राफी हो गई है और अब हम लोग निकल रहे हैं जो इनका दूसरा खेत है वहाँ पे, और यहाँ पे ड्रोन अपना जो आपने ड्रोन शॉट देखे उसके मतलब शूट के दौरान ड्रोन पूरा डिस्चार्ज हो गया है। अभी ड्रोन को लगा दिया गया है यहाँ पे वापस चार्ज, तो जब तक ये चार्ज होता है तब तक हम मूव करते हैं दूसरी लोकेशन। और यहाँ पे वही टिकटॉक पे काहे पे लाइव चल रहे हो सर? अभी कुछ ही नहीं है, अभी सब बंद हो गए। ये बीच बीच में है ना, आपने जितने भी फॉर्म है वहाँ पे लाइव आते रहते। अभी टकाटक पे, अभी टकाटक पे लाइव चल रहे हैं सर। यहाँ पे काफी अच्छे वीडियो बने, सूरज वाले शॉट तो यार क्या अल्टीमेट ही शॉट आ रहे थे भाई साहब। ओके चल, यहाँ हरियाली और ये इस टाइप से ये सीन देखने के लिए ही तो आते हैं यहाँ पे। ओके अभी हम वापस निकल रहे हैं, और मतलब आपने देखे होंगे हमारे ड्रोन शॉट, नहीं देखे तो यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहाँ जाके आप उसके पूरे ड्रोन शॉट देख सकते हैं। बाकी अभी हमारा ड्रोन जैसे डिस्चार्ज हो गया है तो हमने उसको चार्जिंग पे लगा दिया है, तो होप सो वहाँ तक जाते जाते ड्रोन पूरा चार्ज हो जाएगा और फिर हमको वापस से वहाँ पर कुछ और ड्रोन शॉट देखने को मिलेंगे अच्छे, होप सो। अच्छा लगता है ऐसी जगह पे भी गाड़ी चला के। और आज जैसे कि सुबह भी हम लोग लेके गए थे, वो प्लेटना ही लेके गए थे सुबह घूमने के लिए, और आज अभी फिर वापस प्लेटना, तो कुल मिला के दो वीडियो यहाँ पे बन गए हैं प्लेटिना के काफ़ी दिनों के बाद। तो ये भी ठीक है, नहीं बेचारी क्या पता ये बुरा मान जाए कि मेरे तो भाई साहब मुझे तो वीडियो में लेना ही बंद कर दिया तुमने। तो यहाँ पे चने छोले ये सब उग रखे हैं इस साइड। तो भाई साहब अभी हम पहुँच गए हैं हमारी उस वाली लोकेशन पे जहाँ पे हम पिछली बार भी आए थे, काफ़ी बढ़िया लोकेशन थी। बट यार सही बताऊँ तो मैं तो शायद दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ तो पहचान नहीं पा रहा क्या है क्या नहीं है। बाकी भाई साहब इस जगह देखो, शानदार प्लेटिना के भी अलग ही मज़े आ रहे हैं। ओहो कांटे ही कांटे, वो वो कैसी रोड से जा रहे हैं भाई साहब, देखो तो सही आप यार। ओके इस रोड पे हमने यहाँ पे ड्रोन शॉट लिए थे, मुझे याद आ गया। वो यहाँ पे ये देखो एक कुआ है जिसके अंदर भाई साहब अभी भी देखो पूरा पानी भरा हुआ है। वो देखो कुएं के अंदर कितनी शानदार उनकी देखो फोटो आ रही है रिफ्लेक्शन के अंदर। और कूदोगे क्या? कूदना नहीं है ना, नो नो। यहाँ पे एक लोकेशन बताइए जहाँ पे काका अभी हमें यहाँ पे मॉडल बन के बताएंगे कि यहाँ पे कैसे सीन लेना है। काका चढ़ो तो काके यहाँ चढ़ के देखिए, ये वाला सीन देने की कोशिश कर रहे थे तो हम काके का सीन ले लेते हैं।
तो भाई साहब अभी यहाँ पे भी अपने ड्रोन शॉट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी बढ़िया सीन आए और इतने बढ़िया सीन थे कि मज़े ही आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन। जैसे पिछली बार हमने सोचा था शायद यही वो लोकेशन होगी। ओहो टायर पंचर हो गया क्या? देखना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा बचा के लेके चलना पड़ेगा गाड़ी को, कांटे बहुत है इस जगह पे। तो आप सोच रहे होंगे आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों आए। तो भाई वैसे भी संडे था और हम लोग वैसे ही बोर हो रहे थे, इससे भी अपनी कोई राइड तो हो नहीं रही थी, तो फिर क्या था मतलब इधर आ गए। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप इस लोकेशन पे आना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे ये लोकेशन कहाँ पे है। और आप भी यहाँ पे आ सकते हैं अपना वीडियो शूट करने के लिए, काफ़ी बढ़िया जगह है, प्री वेडिंग शूट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। और अभी जैसे कि है 5 बजने गए हैं तो मतलब शाम होने जा रही है, तो सनसेट भी होने वाला है यहाँ पे। गाँव में तो बाइक चलाने का अलग ही मज़ा होता है, अलग ही स्वैग होता है, अलग ही आनंद होता है। यहाँ पे यार ये सरसों दिखती है। ओके यहाँ पे भाई साहब सरसों है, तो एक ड्रोन शॉट तो बनता ही है यहाँ सरसों के अंदर भी। तो भाई साहब अभी हम यहाँ पे खेत के अंदर आए हैं, तो यहाँ पे जो चने लगे हुए हैं ये हैं वो चने। तो ये है वो चने जिनके लालच में मतलब इनको खाने के लालच में हम लोग यहाँ पे आए हैं ना। और लेकिन अभी चनों में हालत ये है कि बहुत कम में यहाँ पे बीज हैं। अरे वाह इसमें तो निकल गया, आपके में निकला गया? हाँ। तो ये जो कच्चे चने हैं भाई साहब बड़े शानदार लगते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमारा जो ड्रोन था उस ड्रोन की जो एक पंख है वो वहाँ पे गिर गया था। और भाई साहब फिर उसको ढूंढने के चक्कर में हमारी वाट लग गई बहुत ही ज़्यादा, तो हम बहुत काफ़ी लेट हो गए। हम यहाँ लगभग 20-25 मिनट से उस पंख को ढूंढ रहे थे, वो मिला ही नहीं। एक दो पंख निकल गए, तो एक पंख तो मिल गया था, दूसरा पंख मिला नहीं। तो अब वैसे भी सनसेट होने वाला है, तो हम थोड़ा घाई में चलाएंगे क्योंकि सनसेट हमें देखना है वहाँ कुएं पे से। तो चलिए फटाफट वहाँ कुएं पे पहुँचते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं सनसेट का कुछ नज़ारा। अब ये रोड भी ऐसी भयंकर है भाई साहब, मेरे तो यहाँ लिटरली फटती है यहाँ पे भगाने से, क्योंकि बिल्कुल लूज रोड है और टायर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पंचर हो गया हो। गया बच गया। ओके तो भाई साहब अभी काफ़ी टेंस सिचुएशन हो गई थी, हम लोग स्लिप होते होते बचे हैं, हम लोग स्लिप होते होते बचे हैं। तो भाई साहब हम लोग आ गए हैं इनके कुएं पर, इनके कुएं पर आ गए हैं। यहाँ पे देखते हैं बाइकें यहीं लगा चलते हैं और फिर अंदर चलते हैं। तो इस कुएँ के सीन भी यहाँ आपने देखे ही होंगे, काफ़ी बढ़िया सीन थे इस कुएँ के भी जो हमने ड्रोन शॉट में लिए थे पहले।
तो भाई साहब ये था आज का वीडियो, काफी बढ़िया लगा यहाँ पे आके। और राम कुमार जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया। अब टाइम काफी लेट हो चुका है, मतलब 7 बज चुके हैं और सनसेट तो आपने देख लिया होगा, सारे सीन देख लिए होंगे। तो अब सीन ये है कि हम लोग सीधा घर पे जाएंगे, इनके घर पे जाएंगे। आज यहाँ पे मेहमान नवाजी होगी, मतलब हम लोगों को खाना खिलाया जाएगा, तो हम लोग खाना खाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम वापस जयपुर के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और तो क्या, बस फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम तीनों को इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हम सबको इजाज़त दीजिए, टाटा बाय बाय।